गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि के बारे में डिस्कस किया था। इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार के उपकरण होते हैं, उसके बाद में उनमें कौन कौन से बल होते हैं, जैसे विक्षेपण बल, नियंत्रण बल और अवमंदन बल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि कौन सा उपकरण एसी पर कार्य करेगा, कौन सा डीसी पर कार्य करेगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्रम से उपकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण के प्रकार। तो फर्स्ट टाइप है आपका जो उपकरण का, वो है सूचक उपकरण। कौन सा है? सूचक उपकरण। ठीक है, फर्स्ट है आपका सूचक उपकरण। ठीक है, तो सूचक उपकरण। ठीक है, सेकंड है आपका रिकॉर्डिंग उपकरण। कौन सा? रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग उपकरण। ठीक है, और थर्ड वन है आपका समाकलित उपकरण। कौन सा है? समाकलित, समाकलित उपकरण। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है उपकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सूचक उपकरण, दूसरा है रिकॉर्डिंग उपकरण और तीसरा कौन सा है? समाकलित उपकरण। तो सबसे पहले देखते हैं सूचक उपकरण किसे कहते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग यानी, इंडिकेटिंग यानी क्या होता है? सूचक। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम क्या देंगे कि वे उपकरण जो केवल मापन के समय ही रीडिंग प्रदर्शित करते हैं तथा उनमें स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? सूचक उपकरण कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे? वे उपकरण जो केवल मापन के समय रीडिंग प्रदर्शित करते हैं तथा जिनमें स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? सूचक उपकरण कहलाते हैं। ध्यान में रखना कि वे उपकरण जो केवल मापन के समय ही रीडिंग प्रदर्शित करते हैं और इनमें स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? सूचक उपकरण। यानी जैसे ही आप क्या करोगे, कोई भी विद्युतीय मात्रा का मापन करोगे, तो जब आप उपकरण को लगाते हो परिपथ में, तो क्या होगा कि उसकी जो सुई होगी वो निश्चित मान तक जाएगी और वापस कहाँ आ जाएगी? शून्य पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, वे उपकरण जो केवल मापन के समय ही रीडिंग प्रदर्शित करते हैं और उनमें स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होती है, क्या कहलाते हैं? सूचक उपकरण कहलाते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्यों कि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों उपकरणों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका एग्जाम्पल है ऑल एनालॉग, ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग कौन से होते हैं? जिनमें सुइयां होती है वो कौन से होते हैं?
एनालॉग उपकरण होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, ऑल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा एमिटर, ठीक है, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ठीक है, मैगर, मैगर, ओहम मीटर, ठीक है, और पीएमएमसी, ईएमएमसी, ठीक है, ये सारे उपकरण किस में आते हैं, आपके सूचक उपकरणों में आते हैं। ध्यान में रखना कि इसकी डीएमआरसी में फुल फॉर्म भी पूछी गई है पीएमएमसी की, ठीक है। तो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, कि पीएमएमसी की क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है। तो क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। इसके अलावा ईएमएमसी, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, ठीक है। दोनों ही क्या है, मूविंग कॉइल उपकरण है, लेकिन इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग में लाई जाती है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक प्रयोग में लाई जाती है। तो ये क्या है, आपका रिकॉर्डिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इन्हें ध्यान में रखना है। सेकंड आता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो सेकंड वन है आपका रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, वे उपकरण जो क्या करते हैं, विद्युतीय मात्रा के लगातार परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, और इनमें स्टोरेज की व्यवस्था होती है, ठीक है। तो क्या लिखे हैं कि वे उपकरण जो लगातार विद्युतीय मात्रा में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं तथा इनमें स्टोरेज की व्यवस्था होती है, ठीक है, इनमें क्या होती है, स्टोरेज की व्यवस्था होती है, क्या कहलाते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आप कभी भी जीएसएस यानी पावर हाउस में जाओगे तो वहां पर क्या होता है कि जीएसएस के दो भाग होते हैं, एक तो होता है यार्ड जहां पर ट्रांसफॉर्मर, सीटी, पीटी ये सब लगे रहते हैं, यानी जो ग्राउंड होता है जिसमें बस बार लगी होती है, सीटी लगी होती है, पीटी लगी होती है, आपका वेव ट्रेपर, ट्रांसफॉर्मर, उस भाग को कहते हैं हमेशा यार्ड। और जिस भाग में आपका जेई, ए, लाइनमैन वगैरह जो बैठते हैं, जहां पर पैनल्स लगे होंगे, कभी जाओ तो देखना वहां पर कि वहां पर क्या लगे रहते हैं, पैनल्स लगे रहते हैं, और उन पैनल्स में जितने भी मीटर्स होते हैं, ठीक है, वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं। और उनमें क्या होता है, प्रत्येक घंटे के बाद हमेशा क्या लिया जाता है, रीडिंग ली जाती है। तो वहां पर देखना कि वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं वो प्रत्येक समय क्या प्रदर्शित करते हैं, मापन के लिए जो विद्युतीय मात्राएं हैं उनको प्रदर्शित करते रहते हैं, जैसे कि पावर फैक्टर क्या चल रहा है, अभी फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, ठीक है, करंट क्या चल रहा है, वोल्टेज क्या चल रहा है। तो उनका प्रत्येक घंटे क्या किया जाता है, स्टोर रखा जाता है। तो वहां पर जितने भी उपकरण लगे होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है आपका पावर हाउस रिकॉर्डिंग मीटर, ठीक है ना,
पावर हाउस या जीएसएस रिकॉर्डिंग मीटर होते हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं, आपके रिकॉर्डिंग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके बाद में इसका सेकंड एग्जांपल है, कभी आप लोग यदि हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, पेशेंट के लिए एक सीआरओ लगा रहता है और उसका जो मॉनिटर है उस पर उसकी लाइफलाइन एनी टाइम प्रदर्शित की जाती है। तो वहां पर जो सीआरओ प्रयोग में लाया जाता है, हॉस्पिटल सीआरओ प्रयोग में लाया जाता है, वो किसका एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग का है। तो सेकंड एग्जाम्पल हम यहां पे क्या लिखेंगे, स्टोरेज सीआरओ, स्टोरेज सीआरओ। ठीक है, इसके अलावा आपका मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, क्या मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर, ठीक है। और इसके अलावा मौसम विभाग में क्या किया जाता है, एक एक्स वाई प्लॉटर प्रयोग में लिया जाता है, वो भी किस में आता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो एक्स वाई रिकॉर्डर और एक इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग किया जाता है सीवीआर, जो क्या होता है, कॉकपिट, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट का है। तो ये जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें हमेशा क्या रहेगी, स्टोरेज की व्यवस्था रहेगी, और इनके एग्जांपल आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब लास्ट आपका जो टॉपिक आता है वो कौन सा है, समाकलित उपकरण का। तो थर्ड वन कौन सा है आपका, समाकलित उपकरण। समाकलित उपकरण जिसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तीसरा कौन सा है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग क्या होता है कि वे उपकरण जो उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा समय के साथ प्रदान कराते हैं, जैसे आपका एनर्जी मीटर है तो वो क्या लिया जाता है, kWh में लिया जाता है, किलोवाट हावर, यानी कि उसमें जो एनर्जी प्रदान की जाती है उपभोक्ता को वो प्रत्येक घंटे के अनुसार क्या की जाती है, काउंट की जाती है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि वे उपकरण जो जो उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा समय के साथ प्रदान, समय के साथ प्रदान, समय के साथ प्रदान कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, समाकलित उपकरण। और इसका उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल एनर्जी मीटर। ठीक है, क्या होता है, एनर्जी मीटर। अब ध्यान में रखना, एनर्जी मीटर भी आपके टू टाइप्स के हैं, सिंगल फेज एनर्जी मीटर और एक क्या है, थ्री फेज। ठीक है, तो जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है ये हमेशा घरेलू, ठीक है, और ये जो आपका थ्री फेज है ये औद्योगिक क्षेत्र में, किसमें, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमने देखा आपका जो सूचक है, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा समाकलित। तो इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्पल से क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। किस प्रकार से बनते हैं अभी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है,
जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि एनर्जी मीटर किस प्रकार का उपकरण है। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन आया है आपके पास इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग और तीसरा इंटीग्रेटिंग और चौथा आ गया नन, कोई नहीं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखिए, निम्न में इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे दिया है आपको, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपको पीएमएमसी, बी दिया है आपको ईएमएमसी, सी दिया है आपको स्टोरेज सीआरओ, ऑप्शन डी आपको दिया है मैगर। ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड। ठीक है, थर्ड है आपको क्वेश्चन दिया है कि रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल यानी उदाहरण है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया आपको स्टोरेज सीआरओ, ऑप्शन बी दे दिया एक्स वाई रिकॉर्डर, ऑप्शन सी दे दिया आपको सीवीआर और ऑप्शन डी दे दिया ऑल अबो। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है एनर्जी मीटर किस प्रकार का उपकरण है। तो अभी हमने देखा उपकरण के प्रकार में कि एनर्जी मीटर है वो आपका क्या होता है, समाकलित यानी इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आंसर कौन सा सही होगा, तीन नंबर। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दिया गया है आपको कि निम्न में से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण नहीं है। तो आपको पता है पीएमएमसी, ईएमएमसी और मैगर, ये तीनों क्या होते हैं, इंडिकेटिंग होते हैं। लेकिन स्टोरेज सीआरओ किस प्रकार का है, रिकॉर्डिंग टाइप का है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वन दिया है आपको रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल है। तो आपको पता है कि स्टोरेज सीआरओ, एक्स वाई रिकॉर्डर, सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहां पर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण के प्रकार बताए हैं। तो इनको हमेशा आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखने। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो आपके सूचक उपकरण होते हैं, ठीक है, उनमें कितने प्रकार के बल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखना है
कि सूचक उपकरण होते हैं उनमें तीन प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, सूचक उपकरणों में तीन प्रकार के बल कार्य करते हैं। कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं? तीन प्रकार के। तो पहला है आपका विक्षेपण बल। कौन सा है? विक्षेपण बल, ठीक है। तो विक्षेपण बल को मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलता हूं, तो इसे मैं हमेशा टी डी से प्रदर्शित करूंगा, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना, विक्षेपण बल कभी भी नहीं लिखूंगा आगे में, क्या लिखूंगा, केवल टी डी यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। सेकंड वन है आपका नियंत्रण बल। नियंत्रण बल, तो इसे मैं टी सी से प्रदर्शित करूंगा यानी कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा है आपका अवमंदन बल, जिसे मैं टी डैम्प से प्रदर्शित करूंगा यानी डैम्पिंग टॉर्क। तो हमेशा ध्यान में रखना है, विक्षेपण बल को टी डी से प्रदर्शित करेंगे, नियंत्रण बल को टी सी से, और अवमंदन बल को टी डैम्प से प्रदर्शित किया जाएगा। तो अब हम इन तीनों बलों के बारे में अध्ययन करते हैं कि विक्षेपण बल क्या होता है, नियंत्रण बल क्या होता है, और अवमंदन बल क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे मैं यहां पर स्केल बना देता हूं, ठीक है। ठीक है, यहां पे जीरो होता है, यहां पे फुल मान होता है, फुल, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्केल है, ये आपका क्या है, स्केल है, ठीक है। कोई भी उपकरण है उसका क्या है, ये स्केल है। तो प्रारंभिक कंडीशन में क्या होगा कि आपका पॉइंटर कहां पर होगा, शून्य की स्थिति पर होगा। कहां पर होगा पॉइंटर? शून्य की स्थिति पर, ठीक है। कहां पर होगा? शून्य की स्थिति पे। तो देखते हैं कि विक्षेपण बल क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले लिखते हैं विक्षेपण, विक्षेपण बल, ठीक है। तो किसे कहते हैं विक्षेपण बल? वह बल जो पॉइंटर को शून्य से फुल मान की ओर, कहां कि वह बल जो पॉइंटर को शून्य से फुल मान की ओर विक्षेपित करने के लिए आवश्यक होता है वो क्या कहलाता है, विक्षेपण बल, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना कि वह बल जो पॉइंटर को शून्य से फुल मान की ओर विक्षेपित करने के लिए आवश्यक होता है वो क्या कहलाता है, विक्षेपण बल कहलाता है। और हमेशा ध्यान में रखना है कि विक्षेपण बल उपकरण में तब तक उत्पन्न होता है जब तक आप उपकरण को क्या करते हो, सप्लाई देते हो। यदि उपकरण में केवल एक ही बल होता है विक्षेपण बल, तो पॉइंटर क्या है, कभी भी रुकेगा नहीं, जीरो से कहां पर आ जाएगा, फुल मान पर आ जाएगा। तो फुल मान पर आ जाएगा तो इस प्रकार से तो मापन संभव नहीं है, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे बल की आवश्यकता पड़ेगी जो क्या कहलाता है, नियंत्रण बल। तो सबसे पहले विक्षेपण बल के बारे में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, वह बल जो पॉइंटर
को शून्य से फुल मान की ओर विक्षेपित करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है? विक्षेपण बल कहलाता है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? जब तक उपकरण में धारा प्रवाहित होती है तब तक उपकरण में विक्षेपण बल उत्पन्न होता है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप इसको सप्लाई देते रहोगे तब तक इसमें क्या है, विक्षेपण बल उत्पन्न होता रहेगा। अब देखिए, अभी तक उपकरण में केवल क्या है, एक ही बल है विक्षेपण, इसलिए आपका पॉइंटर शून्य से आकर के क्या पे रुक जाएगा, फुल मान पर। तो इस प्रकार से तो मापन संभव नहीं है। ठीक है, अतः पॉइंटर फुल मान पर विक्षेपित हो जाता है। कहां पे विक्षेपित हो जाएगा? फुल मान पे। तो फुल मान पे विक्षेपित हो गया है तो क्या इस प्रकार से मापन संभव है? नहीं है, इसलिए हमें दूसरे बल की आवश्यकता पड़ी, जो बल क्या कहलाता है, नियंत्रण बल कहलाता है। तो दूसरा बल हम क्या लिखेंगे यहां पर, नियंत्रण बल। ठीक है, तो यहां पर मैं नियंत्रण बल के बारे में लिख देता हूं। ठीक है, तो सेकंड है आपका नियंत्रण बल। ठीक है, तो यहां पर नियंत्रण बल दो उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। पहला कि इनपुट के समान आउटपुट उत्पन्न करना। ठीक है, यदि नियंत्रण बल विक्षेपण बल का विरोध नहीं करेगा तो आपका पॉइंटर क्या होगा, डायरेक्ट कहां पहुंच जाएगा, फुल मान पर पहुंच जाएगा, तो मापन संभव नहीं होगा। इसलिए हमेशा इनपुट के समान क्या उत्पन्न करना चाहिए, आउटपुट। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है, इनपुट के समान आउटपुट उत्पन्न करना। ठीक है, तो अब क्या होगा, पॉइंटर यहां पर होगा मान लीजिए, तो इसको विपरीत दिशा में वापस कौन लेके आएगा, नियंत्रण बल टीसी। कौन? नियंत्रण बल टीसी। तो अब देखो, विक्षेपण बल और नियंत्रण बल दोनों क्या हो चुके हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो चुके हैं। ठीक है, अब हमेशा ध्यान में रखना कि यदि नियंत्रण बल का मान विक्षेपण बल से कम होता है तब तो पॉइंटर कहां जाएगा, शून्य से फुल मान की ओर, और यदि नियंत्रण बल का मान अधिक होता है किससे, विक्षेपण बल से, तो पॉइंटर कहां जाएगा, फुल मान से किधर, शून्य की ओर। तो यहां पर हम कंडीशन क्या लिखेंगे, टीडी अधिक है किससे, टीसी से, तब तो पॉइंटर इस दिशा में जाएगा, और यदि टीसी अधिक है किससे, टीडी से, तब पॉइंटर कहां जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि विक्षेपण बल का मान नियंत्रण बल से अधिक होता है तो पॉइंटर शून्य से किधर जाता है, फुल मान की ओर। ठीक है, और यदि विक्षेपण बल का मान नियंत्रण बल से कम होगा तो हमेशा पॉइंटर कहां जाएगा, फुल मान से
सुनने की ओर। तो हम यहां पर दूसरा पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे कि जब इनपुट अनुपस्थित हो तो पॉइंटर को अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लाना। ये कार्य किसका है? नियंत्रण बल का। आपने कभी कभार देखा होगा कि आप मापन करते हो, मापन करने के बाद उपकरण को क्या कर देते हो, परिपथ से हटा देते हो, तो जितना मान उसने मापा है वहीं पर पॉइंटर रुक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर नियंत्रण बल उत्पन्न करने के लिए जो आपने स्प्रिंग प्रयोग किया था वो स्प्रिंग या तो क्या हो चुका है, लूज हो चुका है, या प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है। अब आपको पता है कि जब इनपुट अनुपस्थित होगा तो विक्षेपण बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब विक्षेपण बल का मान शून्य हो जाएगा तो पॉइंटर वापस कहां पे आ जाएगा, शून्य पर आ जाएगा। इसलिए सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि जब इनपुट अनुपस्थित हो तो पॉइंटर अपनी प्रारंभिक स्थिति पर ले आता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस बात को कि इनपुट उपस्थित होगा तब तो विक्षेपण बल उत्पन्न होगा, विक्षेपण बल उत्पन्न होगा तो पॉइंटर शून्य से किधर जाएगा, फुल मान की ओर जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे दूसरा कौन है, नियंत्रण बल। तो ये क्या करेगा, इनपुट के समान आउटपुट उत्पन्न करेगा जब इनपुट उपस्थित हो, तो यानी विक्षेपण बल का क्या करेगा, विरोध करेगा, ठीक है। और जब इनपुट अनुपस्थित हो तो पॉइंटर को अपनी प्रारंभिक स्थिति पर लाना, यानी इनपुट अनुपस्थित होगा तो विक्षेपण बल शून्य, तो कहने का मतलब क्या बचा ओनली, नियंत्रण बल। तो नियंत्रण बल क्या करेगा, पॉइंटर को फुल मान से वापस कहां लेगा, शून्य पर। अब देखिए एक स्थिति ऐसी आएगी, यहां पर देखिए यहां पे तो क्या है, विक्षेपण बल अधिक है नियंत्रण से, यहां पर क्या है, नियंत्रण अधिक है विक्षेपण से। एक स्थिति ऐसी आएगी कि पॉइंटर आपका क्या होगा, किसी मान पर रुकेगा, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होगा, आपके दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। पॉइंटर रुकेगा कब, जब विक्षेपण बल का मान नियंत्रण बल के मान के बराबर होगा, तभी क्या होगा, पॉइंटर किसी मान पर रुकेगा, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, पॉइंटर की स्थिर अवस्था। तो ध्यान में रखना, सेकंड पॉइंट हम यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, विक्षेपण बल बराबर किसके है, नियंत्रण बल के, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पॉइंटर की स्थिर अवस्था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब पॉइंटर स्थिर अवस्था में आता है तो विक्षेपण बल और नियंत्रण बल का मान बराबर हो जाता है, यानी दोनों का आयाम बराबर हो जाता है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। अब देखिए जब बराबर किसी मान पर रुकेगा तो ये क्या करेगा, वहां पर अवांछनीय गति करेगा, यानी उस निश्चित मान के पास क्या करेगा, कुछ समय तक हिलता रहेगा पॉइंटर। अब देखिए इतना समय है नहीं हमारे पास कि ये पॉइंटर रुके और हम देखें कि वैल्यू क्या रही है, ठीक है। तो यहां पर ये स्थिर अवस्था में आने से पहले क्या करता है, अवांछनीय गति करता है, ठीक है। तो मापन में क्या है, समय अधिक लग रहा है, तो इस समय को कम करने के लिए हम तीसरे बल का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, अवमंदन बल। तो अवमंदन बल जिसे हम क्या कहते हैं, टी डैम। तो यहां पर इसका कार्य क्या है, मापन में समय
को कम करना, या आप क्या लिख सकते हो, पॉइंटर पॉइंटर की अवांछनीय गति को नियंत्रित करना, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो यदि किसी इंस्ट्रूमेंट में किसी निश्चित मान पर आपका पॉइंटर इस प्रकार से हिल रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 50 है, तो 50 से कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे वो इस मान पर रुकेगा, तो यानी कहने का मतलब क्या है, उसमें अवमंदन बल अनुपस्थित है। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, मापन में समय अधिक लग रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उपकरण में तीन प्रकार के बल होते हैं। सबसे पहला होता है आपका विक्षेपण बल। तो विक्षेपण बल का कार्य क्या होगा, पॉइंटर को अपनी प्रारंभिक अवस्था से फुल मान की ओर लेके जाने का। ठीक है, दूसरा हमने देखा नियंत्रण बल। तो नियंत्रण बल के दो कार्य होंगे, पहला होगा इनपुट के समान आउटपुट उत्पन्न करना, और दूसरा जब इनपुट अनुपस्थित हो तो पॉइंटर को अपनी प्रारंभिक अवस्था पर लाना। ठीक है, तीसरा बल है आपका अवमंदन बल। तो अवमंदन बल का कार्य क्या होता है कि पॉइंटर की अवांछनीय गति को नियंत्रित करने का होता है, और या आप कह सकते हो कि मापन में लगे समय को कम करता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे मान लीजिए ये आपका मीटर है, ठीक है, तो विक्षेपण बल इस दिशा में, तो नियंत्रण बल इसके विपरीत होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, विक्षेपण बल और नियंत्रण बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं, और पॉइंटर तभी रुकेगा जब दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और पॉइंटर की अवांछनीय गति को नियंत्रित करने के लिए तीसरा बल लगाते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, अवमंदन बल कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन सा उपकरण एसी पर कार्य करेगा, कौन सा डीसी पर कार्य करेगा। थैंक यू।